वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के डिफरेंस को भी समझेंगे, इनकी डेफिनेशन और कंडीशंस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम बेसिकली फाइव आइटम्स डिस्कस करेंगे, होल्डर की डेफिनेशन, होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन, फिर कुछ कंडीशंस जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को पूरी करनी होती है इन ऑर्डर टू बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। बेसिकली इन ड्यू कोर्स का मतलब है प्रॉपर, तो जो प्रॉपर होल्डर होता है उसे ड्यू इन होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं, उसके राइट्स ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोनों जो टर्म्स हैं हमारी होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की, इनके कंपैरिजन की समरी को डिस्कस करेंगे ताकि आप इनके डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं होल्डर की। तो एक पर्सन तब होल्डर कहलाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर वो दो कंडीशंस को मीट करता हो। पहली बात तो ये कि वो इंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो अपने नाम पर, यानी वो किसी और के बिहाफ पर एक एजेंट के तौर पर वो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड ना कर रहा हो, वो अपने पोजेशन जो है वो उसके पास हो और वो अपने नाम पर उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा हो। तो होल्ड से ही होल्डर बना है, तो ये तो एक कंडीशन है, लेकिन अपने नाम पर हो, किसी और के बिहाफ पर ना। दूसरी बात यह कि वो इंटाइटल्ड होना चाहिए कि वो उस पर पैसे रिसीव कर सके या रिकवर कर सके उस पर अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज लाइबल अंडर द इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली बेयरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो ये होता है कि जो बेयर कर रहा होता है वो इंटाइटल्ड होता है कि वो पैसे रिसीव कर सकता है। तो उस सूरत में जस्ट वो अगर अपने नाम पर अपने बिहाफ पर ही वो होल्ड कर रहा है और उसकी इंटाइटलमेंट भी रिकवर करने की, तो वो होल्डर होगा। तो बेसिकली होल्डर का मतलब यहाँ पर क्या बना कि जो बेयरर होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट का वो होल्डर होता है, और जिस शख्स का ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे पेई के तौर पे नाम लिखा होता है या बाद में जिसे ट्रांसफर हो जाता है, इंडोर्सी मतलब ट्रांसफरिंग, जिसको ट्रांसफर हो गया तो फिर वो पेई बन जाता है, तो उसको हम होल्डर कहते हैं। और बाज़ूकात अगर कोई नोट बिल और चेक लॉस्ट हो जाए तो जो पर्सन उसकी पोजेशन में होता है लास्ट टाइम उसकी डिस्ट्रिक्शन से पहले उसे होल्डर समझा जाता है। तो प्रिसाइजली व्हेन द नोट बिल और चेक इज लॉस्ट एंड नॉट फाउंड और इज डिस्ट्रॉयड द पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट और द बेयर एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन, यानी जो पर्सन लास्ट टाइम उसको प्रॉपरली होल्ड कर रहा था वो शैल बी डीम्ड टू कंटिन्यू टू बी इट्स होल्डर, तो वो उसका होल्डर समझा जाएगा। इस पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो साजिद ने लेट से के एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हामिद को डिलीवर किया, और तो हामिद जो है वो उसका होल्डर बन गया। उसके बाद जो है हामिद ने वो बिल जो है वो कुमैल को इंडोर्स और डिलीवर कर दिया। तो कुमैल को जब वो ट्रांसफ़र करेंगे और इंडोर्स करेंगे और डिलीवर करेंगे तो पहले हामिद होल्डर थे, अब कुमैल होल्डर बन जाए। होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें जो डेफिनेशन है दैट इज़ के होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, यानी गिफ्ट के तौर पर चीज़ ना मिली हो, उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ कंसिडरेशन प्रोवाइड की हो, becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or payee or endorsee thereof if payable to order. तो ये तो वो सिंपल सी बात है कि वो payable to bearer भी हो सकता है, payable to order भी हो सकता है, before it became overdue, यानी maturity से पहले हो, without notice that the title of the person from whom he derived his own title was defective, यानी good faith में हो। अगर आपको पता है कि ये तो एक instrument चोरी हुआ हुआ है, ये तो किसी का गुम हुआ था और उसका मिला हुआ है किसी को, तो इस तरीके की अगर चीज़ है या इस पे जो है ना फ्रॉड हुआ हुआ है, तो इस तरह की चीज़ अगर आपको आप हासिल करते हैं तो फिर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होंगे। तो डेफिनेशन से हमें तीन बेसिक पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि कंसिडरेशन के अगेंस्ट हासिल किया हो, ओवर ड्यू होने से पहले यानी मेच्योरिटी टाइम से पहले किया हो, और टाइटल ऑफ पर्सन से रिलेटेड कि वो डिफेक्टिव है, कोई मसला है उसके बारे में पता ना हो, यानी गुड फेथ में एक्वायर किया हो। टाइटल कब डिफेक्टिव होता है? टाइटल तब डिफेक्टिव होता है जब एक शख्स लॉफुली इंटाइटल्ड ना हो किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए। एक चोर जो है वो लॉफुली इंटाइटल्ड नहीं होता कि उसको उस इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट मिले। इसी तरह अगर किसी का गुम हुआ है और किसी और को मिल गया तो उसकी लॉफुल इंटाइटलमेंट नहीं है कि वो रिसीव करे, जिसका गुम हुआ है उस तक उसके वो पहुंचाना चाहिए। कंडीशंस की बात करें तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की फाइव कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं कि वो होल्डर होना चाहिए, जो उसके दोनों कंडीशंस हैं कि वो पोजेस करता हो उसको अपने नाम पर और उस पर रिकवरी करने की इंटाइटलमेंट हो तो वो होनी चाहिए, वैल्यूएबल उसने कंसिडरेशन प्रोवाइड की हो, गिफ्ट वगैरह में ना लिया हो, बिफोर मेच्योरिटी उसको रिसीव हुआ हो, अगर आफ्टर मेच्योरिटी मिला होगा तो बाकी सब चीज़ें ठीक भी हों तो वो फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए, यानी चेक कर लेना चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसके अंदर कोई मटेरियल अल्टरेशन ना हुई भी हो,
और प्रॉपर सिग्नेचर जो हैं वो ड्रॉअर के हुए में हों, कोई नाम वगैरह मिसिंग ना हो, स्टैम्प मिस ना हो, मिस नहीं होनी चाहिए, वर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो कंप्लीट एंड रेगुलर देख लें। इसमें से जो वर्ड टर्म मटेरियल अल्टरेशन है, ये अभी हम अलग से भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ चेंज कर दी जाए तो उसको मटेरियल अल्टरेशन समझा जाता है। फिर ये कि वो एक्ट कर रहा हो इन गुड फेथ, तो अगर आपको सस्पिशन है कि ये चीज़ चोरी की हो सकती है या इसमें कोई फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकता है, तो फिर उसको इंक्वायर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर प्रॉपर तसल्ली के बाद ही लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे और उसके बावजूद आपने इंक्वायरी ना की, या फिर आपको पहले से ही पता था कि ये चीज़ एक जो है थेफ्ट वाली है या ख़राब है और फिर भी ले ली, तो फिर आप गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहे। तो नेग्लिजेंस भी नहीं होनी चाहिए और उस यानी केयरफुली आप इंस्ट्रूमेंट को ले रहे हो, कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हो तो आप उसमें चेक करें, और अदरवाइज गुड फेथ में एक्वायर कर रहे हो कि आप ये समझते हुए ही एक्वायर कर रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मटेरियल अल्टरेशन की बात करें तो टर्म मटेरियल अल्टरेशन में बेसिकली अगर डेट चेंज कर दी जाए इंस्ट्रूमेंट की, जो अमाउंट है वो चेंज कर दी जाए, टाइम ऑफ पेमेंट चेंज कर दिया जाए, प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज कर दिया जाए, तो या इसी तरीके से एक प्लेस ऑफ पेमेंट एक्स्ट्रा है वो उसमें ऐड कर दी जाए विदाउट द एक्सेप्टर असेंट, तो जिसने पेमेंट करनी है उसकी इजाज़त के बगैर अगर ये चेंजेस करते हैं तो वो मटेरियल अल्टरेशन है। इजाज़त के साथ चेंज करते हैं तो ऐसी अल्टरेशन पे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब जिसने पेमेंट करनी है जब वो एग्री कर जाता है किसी चेंज के साथ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी असेंट के बगैर जब चेंज कर रहे होंगे तो वो मटेरियल अल्टरेशन होगी और उससे फिर इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो पहला सिनेरियो हम ले रहे हैं कि आसिफ ट्रांसफर्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू जाजिफ फॉर गुड्स परचेज 1 वीक आफ्टर इट्स मेच्योर। तो कंक्लूजन ये है कि जाजिफ होल्डर तो है लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि बिल जो है वो आफ्टर मेच्योरिटी उनकी पोजेशन में आया है। अगर बिफोर मेच्योरिटी आता तो ही कुड हैव बीन होल्डर इन ड्यू कोर्स। सिनेरियो टू लेते हैं, मारिया रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर टू हर बाय हर ब्रदर एज गिफ्ट। तो वंस अगेन मारिया इज होल्डर बट नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसकी वजह यह है कि शी बिकेम होल्डर विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो गिफ्ट के तौर पर मिला है, गिफ्ट के बजाय अगर उन्होंने कोई गुड्स जो है सप्लाई की होती उसके अगेंस्ट अगर उन्हें मिला होता तो फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो उनके लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स का स्टेटस होता, लेकिन अभी उनका स्टेटस होल्डर का है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का नहीं है। एक और सिनेरियो लेते हैं, आतिफ ट्रांसफर्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू आसिफ फॉर गुड्स परचेज अ वीक बिफोर इट्स मेच्योरिटी। आसिफ न्यू दैट द बिल वॉज स्टोलन बाय आतिफ। तो जब आपको पता है कि ये स्टोलन चेक है तो आसिफ जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, ही हैज़ नॉट एक्टेड इन गुड फेथ, क्योंकि पता था कि एक चीज़ स्टोलन है, उसके बावजूद उसको एक्सेप्ट कर लेना जो है वो बेसिकली गुड फेथ के अगेंस्ट है। तो ये ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि एक पर्सन होल्डर तो हो सकता है लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एक करेक्टर लेते हैं जी साजिद। साजिद डिलीवर्ड अ बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज टू हामिद। हामिद से वो गुम हो जाता है और वो समीना को मिल जाता है। तो ये हमने पहले भी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी सेम एग्जाम्पल डिस्कस की थी। तो समीना को वो चेक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर है मिला है, शी कैन क्लेम द पेमेंट क्योंकि बेरर है, और साजिद को अगर नहीं पता होगा कि कोई मसला हुआ है तो शायद वो पे भी कर दें, तो वो उस पर इंटाइटल्ड तो हैं पेमेंट लेने के लिए, लेकिन वो लॉफुली अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रांसफ़र कर देती हैं ये कुमैल को फॉर कंसिडरेशन विदाउट टेलिंग हिम द इंस्ट्रूमेंट वॉज लॉस्ट, तो फिर कुमैल को तो पता नहीं है, कुमैल ने गुड फेथ में एक्वायर किया है, फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया है, और लेट्स से कि बिफोर मेच्योरिटी एक्वायर किया है, तो कुमैल जो है ही वुड बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स और वो इस निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पे अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं, इवन इफ बाद में ये पता चल जाए कि समीना ने जो है ये इंस्ट्रूमेंट उन्हें मिला था और उन्होंने फिर इसको आगे ट्रांसफर किया था। कंपैरिजन की समरी की बात करें तो सबसे पहले मीनिंग का फर्क है कि जो होल्डर होता है वो ऐसा पर्सन है जो लीगली ऑब्टेन करता है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को, उनका इंटाइटलमेंट होती है कि वो उस पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स में होल्डर के अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये भी हैं कि गुड फेथ होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए और मेच्योरिटी डेट से पहले होनी चाहिए। तो डेफिनेशन की बेस पर ही बेसिकली बाकी भी कुछ हमारी कंपैरिजन बनते हैं। तो कंसिडरेशन होल्डर के लिए ज़रूरी नहीं है, गिफ्ट वाला भी पर्सन होल्डर बन सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी है। राइट टू सू, होल्डर का कुछ सिचुएशन में तमाम पार्टीज पर राइट टू सू नहीं होता अगर उन्हें पता हो कि बीच में ये इंस्ट्रूमेंट
जो है गुम हुआ था, कोई मसला हुआ था, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो तमाम प्राइवेट पार्टीज यानी उनसे पहले जितने भी ऐसे पर्सन हैं जो ट्रांसफ़र जिन्होंने किया होता है, इंडोर्स किया होता है, और ड्राई ड्रार वगैरह सब पर वो केस कर सकते हैं। गुड फेथ की रिक्वायरमेंट जो है वो होल्डर के लिए नहीं है, होल्डर ने हो सकता है कि गुड फेथ में एक्वायर किया हो, सकता है ना किया हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए गुड फेथ की रिक्वायरमेंट मस्ट है। फिर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स और बेटर टाइटल, होल्डर का टाइटल जो है वो बाजू का फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स नहीं होता, अगर उन्हें पता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर लेट्स से गुड फेथ में नहीं उन्होंने एक्वायर किया तो वो शायद पेमेंट वैसे तो रिकवर कर लें, एक्चुअली भी कर लें जब दूसरी पार्टी को नहीं पता कि क्या मसला है तो, लेकिन ये कि उनका टाइटल बेटर टाइटल कंसिडर नहीं होता लॉ के अंदर, उसको एक प्रॉपर लीगल टाइटल ऑनरशिप नहीं समझी जाती, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो टाइटल होता है वो ट्रांसफरर से भी बेटर होता है। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी, समीना वाज नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स, शी कुड नॉट लॉफुली रिकवर द अमाउंट, बट कुमेल वाज होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड ही हैज बेटर राइट्स देन इवन द समीना, यानी जिससे ट्रांसफर हुआ था उससे भी बेहतर राइट थे कुमेल के बिकॉज ही वॉज होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर मेच्योरिटी की टर्म है, तो एक पर्सन होल्डर जो है वो मेच्योरिटी से पहले भी बन सकता है, बाद में भी बन सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनके पास मेच्योरिटी से पहले आया हो। सो ये हमारे इसके कंपैरिजन पॉइंट थे, और हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स दो डिफरेंट टर्म्स हैं। बेसिकली इन ड्यू कोर्स का लफ्ज़ी मतलब है प्रॉपर, तो एक जो प्रॉपर होल्डर होता है जिसके प्रॉपर कंप्लीट लीगल राइट्स होंगे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।